कि बस जिंदगी में और कुछ नहीं रहेगा। तुम्हें क्लास की इतनी चिंता नहीं होती जितनी चिंता होती कि वीडियो बन जाए बस। वीडियो बननी चाहिए, अगर वीडियो नहीं हुई तो समझ लो कि क्लास भी खत्म है। जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ क्लास में, अभी जो तुम्हारे दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं जाता कि मतलब कि वो वीडियो के थ्रू एक कान में पीप लगा के उसके थ्रू इंसर्ट करते हो दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं होता। वीडियोज जो होती हैं, देख मैं जब पढ़ा था मैंने कभी एक भी किसी भी ट्रेनर की मैंने कभी वीडियो देखी नहीं थी। उस टाइम भी सभी बच्चे ये होते थे, पेन ड्राइव फेंक दी जाके ट्रेनर के, लो भी वीडियो वीडियो वीडियो, बुक्स पढ़ लो सब कुछ काम खत्म है, वीडियो की रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। वीडियो मेरी देखने से अच्छा आयन नहीं की देख लो यार, वो मुझसे अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। जितना मैं पढ़ाता हूँ क्लास में उतना सीखो, और जितना वो पढ़ाते हैं वो भी सीख लो। जो उनकी वो बेसिकली कमर्शियल स्केल पे वो बेच रहे हैं वीडियोज़ को, तो उनमें कुछ होगा ऐसा जो बिकती भी हैं। मेरी वीडियो से क्या निकालोगे? प्रोटोकॉल फील्ड में क्या होता है, देखो प्रोटोकॉल फील्ड में आईपी पैकेट जो भी डेटा कैरी करेगा उसकी इंफॉर्मेशन किसके अंदर कंटेंट होगी? तुम्हारी प्रोटोकॉल फील्ड के अंदर। अब ध्यान से देखो, आईपी पैकेट कौन कौन सी लेयर का डेटा कैरी कर सकता है पहले ये समझते हैं। अब देखो तुम्हारी मल्टीपल ओएसआई लेयर्स क्या है? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। तुम्हारा जो नेटवर्क लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है? आईपी। अब देखो आईपी के अंदर कौन सी लेयर का डेटा पैक होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा दो टाइप का होता है, या तो होगा टीसीपी या तो होगा यूडीपी। तो आईपी कौन सी लेयर का डेटा कैरी कर सकती है? लेयर फोर का। प्लस नेटवर्क लेयर की कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं आईसीएमपी, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, फॉर एग्जाम्पल ये है, उनका डेटा भी कौन कैरी कर सकती है? आईपी। मतलब आईपी कौन कौन सी लेयर का डेटा कैरी करेगी? फोर का और थ्री का। तो जो भी डेटा तुम्हारी आईपी के अंदर कैरीड होगा प्रोटोकॉल फील्ड में वही मेंशन्ड होगा। आईपी पैकेट के अंदर जो प्रोटोकॉल फील्ड है उसके अंदर जो भी मेंशन्ड होगा वो तुम्हें क्या बताएगा कि तुम्हारी आईपी किसका डेटा कैरी कर रही है। अगर तुम पिंग करते हो तो आईपी के अंदर क्या जाता है? आईसीएमपी। तो उसका मतलब प्रोटोकॉल फील्ड में क्या लिखा होगा? आईसीएमपी। अगर तुम टेलनेट करते हो तो कौन सी टेलनेट कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल यूज करती है? टीसीपी। अब टीसीपी फर्दर किसके अंदर पैक होगा? आईपी के अंदर। तो उस केस के अंदर आईपी की प्रोटोकॉल फील्ड में क्या होगा? टीसीपी। समझ पा रहे हो? उस केस में आईपी की प्रोटोकॉल फील्ड के अंदर क्या आएगा? टीसीपी। तो बेसिकली प्रोटोकॉल फील्ड तुम्हें सिर्फ इतना ही बताएगी कि तुम्हारा जो आईपी पैकेट है वो किस लेयर का डेटा क्या कर रहा है? कैरी। आईपी पैकेट के अंदर जो प्रोटोकॉल फील्ड है वो क्या बताती है कि तुम्हारा आईपी एक्चुअल में कैरी क्या कर रहा है, मतलब उसके अंदर क्या कैरीड है, प्रोटोकॉल कौन सी वो लेके जा रहा है। आईपी क्या है? सिंपल एक कैरियर है। आईपी का मतलब क्या है कि देखो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी है, और वो क्या कैरी करता है? मल्टीपल प्रोटोकॉल्स का डेटा। क्या करता है? मल्टीपल प्रोटोकॉल्स का डेटा। और जिस प्रोटोकॉल का भी कैरी कर रहा होगा वो किसके अंदर होगा? तुम्हारे आईपी पैकेट की प्रोटोकॉल फील्ड के अंदर। एक काम करोगे, जो स्टेयर्स है ना स्टेयर्स, उनके ऊपर एक वो लटक रहा होगा रिमोट सा, उसके ऊपर ना ऑन बटन होगा, प्रेस कराना। एसी बंद है ना क्लास का? यहाँ पर एक तो सामने है, एक जो स्टेयर्स है उसके पास है, ऊपर थोड़ा सा जाके ऑन बटन होगा, टेम्परेचर डाउन कर देना। अब देखो प्रोटोकॉल फील्ड समझते हैं, पहले टेलनेट करेंगे फिर देखेंगे कि तुम्हारी आईपी के अंदर क्या पैक होगा।
दो दो खुले हुए विंडो। चल गया। फिर क्लास में थोड़ी देर के बाद सफोकेशन होनी शुरू हो जाएगी। चला इसी पीछे आवाज आ रही है। चल गया ना। आवाज नहीं सुन रही तुमने उसकी। और ये थिन साइकिल तुम्हें भी आ रही है आवाज? मेरी आ रही है ना। राउटर जाना लगा, सो गया। 5 मिनट लेट आया है तो आज टाइम पे चला पूरा। तुझसे बात करने के चक्कर में काम खराब हो गया, देख ले। मेरी क्लास खराब करते नहीं सर। आज फिर नौ काम हो जाए जो क्या ही करना। ओके भाई देख लो अब ध्यान से, अब क्लास की तरफ थोड़ा फोकस हो जाओ। देखो R1 और R2, देखो R1 से R2 तक देखो मैंने क्या असाइन किया, IP एड्रेस। जो भी डेटा कैरी किसके अंदर होगा वो IP पैकेट के अंदर ही कैरी होगा। अब देखो अगर मैं R1 से क्या करता हूँ, टेलनेट करता हूँ। टेलनेट कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन लेयर की। और वो प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर की कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ करती है? TCP के UDP TCP यूज़ करती है। तो TCP आके फर्दर नेटवर्क लेयर के आके, नेटवर्क लेयर पे आके किस पे पैक होगी? IP के अंदर पैक होगी। यस और नो? अब ध्यान से देखो, मैं R1 से टेलनेट करता हूँ किसको? R2 को। टेलनेट 10.2 टेलनेट किया, तुम देखो कैप्चर में पैकेट्स गए हैं। अब देखो ध्यान से, अब देखो टेलनेट एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है जो किस में पैक हो रही है? TCP के अंदर। और TCP किसके अंदर जा रही है तुम्हारी? IP के अंदर। और IP अब क्या कैरी कर रही है? TCP। तो वो क्या बता रही है अपनी प्रोटोकॉल फील्ड में कि मैं क्या कैरी कर रही हूँ? TCP। समझ पा रहे हो क्या? जूम कर देते हैं इसको। अब विजिबल है? लो भैया और ज्यादा विजिबल हो गया। ध्यान से देखो नीचे क्या है तुम्हारा? टेलनेट। टेलनेट किसके अंदर कैरीड है? TCP के अंदर। देखो प्रोटोकॉल कैसे पैक होती है, एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल। टेलनेट आई एप्लीकेशन लेयर से नीचे, वो किसके अंदर पैक हुई? TCP के अंदर। अब TCP फर्दर किसके अंदर पैक हो रही है तुम्हारी? IP के अंदर। जब IP किसका डेटा कैरी कर रही है अब? TCP का। तो प्रोटोकॉल फील्ड में IP में क्या दिख रहा है तुम्हें? TCP। इसका मतलब जो IP पैकेट के साथ डेटा जा रहा है वो कौन सा जा रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर की कुछ प्रोटोकॉल का, TCP का। IP को TCP का पता है, IP को नहीं पता कि उसके अंदर क्या है? टेलनेट है। चला पता? IP को इतना पता कि वो क्या कैरी कर रही है? TCP। चला पता? क्योंकि एप्लीकेशन लेयर से क्या आई? टेलनेट। टेलनेट किसके अंदर पैक हो गया तुम्हारा? IP के अंदर। टेलनेट किसके अंदर पैक हुआ? TCP के साथ। और TCP किसके अंदर आ गया? IP। और IP अब क्या कैरी कर रही है? TCP। तो उसने क्या बता दिया? दैट आई एम कैरिंग TCP इन विच फील्ड? इन द प्रोटोकॉल फील्ड। इतना क्लियर हुआ? अब देखो DNS कौन सी प्रोटोकॉल यूज करती है? DNS यूज करता है क्या? UDP।
अब एक काम करते हैं, क्या दोनों करता है? बट तुम्हें दूसरे का मतलब टीसीपी कब करता है बताओ, और यूडीपी कब करता है वो बताओ, बोलो अब। हाँ मैंने सोचा तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, कुछ नई चीज। अब देखो मैं R1 से R2 को पिंग करूंगा उसका होस्ट नेम यूज करके, पिंग नहीं कर रहा ट्रांसलेट। अब चाहे डोमेन लुकअप हुआ चाहे नहीं हुआ, बट तुम्हारा डीएनएस का, डीएनएस की क्वेरी जा रही है। देखे ये तुम्हारा मैसेज किसका जा रहा है? डीएनएस का। यार एक तो ये एडजस्टमेंट बड़ी करनी पड़ती है इसकी। अबे देखो अब एप्लीकेशन लेयर की कौन सी प्रोटोकॉल है? डीएनएस। डीएनएस कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है। डीएनएस ट्रांसपोर्ट लेयर की कौन सी प्रोटोकॉल यूज करती है? टीसीपी की यूडीपी। अभी फिलहाल कौन सी यूज कर रही है? यूडीपी यूज कर रही है। अब यूडीपी किसके अंदर पैक होके जाएगा? आईपी के अंदर। तो आईपी की प्रोटोकॉल फील्ड के अंदर क्या आएगा तुम्हारा? यूडीपी आ रहा है ना, ठीक है। देखो क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो जितने भी एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है ना वो क्या यूज करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विस, या तो करेंगी टीसीपी या तो करेंगी यूडीपी। अब एप्लीकेशन लेयर पे कौन सी चलती है तुम्हारी? टेलनेट। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो कौन सी यूज करती है? टीसीपी। तो एप्लीकेशन लेयर की टेलनेट किसमें पैक हुई? टीसीपी। और टीसीपी किसके अंदर पैक हुआ? फिर आईपी के अंदर। अब जैसे डीएनएस है कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन लेयर की। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सी यूज करती है? यूडीपी। तो डीएनएस किसके अंदर पैक हुआ? यूडीपी के अंदर। यूडीपी किसके अंदर फर्दर जा रही है तुम्हारे? आईपी के अंदर। क्लियर है इतना? अभी हमने दो एग्जांपल देखी जिसमें तुम्हारा आईपी हेडर प्रोटोकॉल कैरी कर रहा है लेयर 4 की। कौन सी लेयर की कैरी कर रहा है? लेयर 4 की। अब देखो अगर मैं क्या करता हूं, पिंग 10.2 को पिंग किया, पिंग के लिए कौन सी प्रोटोकॉल होती है? आईसीएमपी। आईसीएमपी कौन सी लेयर की है? लेयर 3 की। अब देखो ये क्या तुम्हारा पिंग, अब देखो ध्यान से ये कौन सी प्रोटोकॉल है? आईसीएमपी। देखो ये टीसीपी में पैक नहीं हुई, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन लेयर से थोड़ी आ रही है, समझ पा रहे हो? क्योंकि ये खुद किस लेयर की प्रोटोकॉल है? खुद ही नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल तुम्हारी ऊपर से थोड़ी आई है। अगर ये प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर से आती तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर की कोई ना कोई सर्विस यूज करती करती, या टीसीपी कर लेती या यूडीपी करती। उस केस में आईपी के अंदर क्या होता? या तो होता टीसीपी या तो होता यूडीपी। अब इस केस में कौन सी प्रोटोकॉल है? आईसीएमपी। ये खुद कौन सी लेयर की है? 3 की है। तो खुद लेयर 3 की प्रोटोकॉल किसमें पैक हो रही है? आईपी के अंदर। तो देखो अब ये प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर की, अब आईसीएमपी किसके अंदर पैक्ड है? आईपी के अंदर। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? आईसीएमपी। तो प्रोटोकॉल फील्ड सिंपली तुम्हें क्या बताती है कि वो किस प्रोटोकॉल का डेटा कैरी कर रही है। ये आईपी के अंदर जो प्रोटोकॉल फील्ड है उसे देखकर तुम्हें क्या पता चलेगा कि तुम्हारा आईपी पैकेट एक्चुअल में कैरी क्या कर रहा है। अगर टीसीपी और यूडीपी का मतलब अपर एप्लीकेशन लेयर की कोई भी प्रोटोकॉल कैरी कर रहा है, अगर आईसीएमपी या ईआईजीआरपी ओएसपीएफ इसका मतलब वो लेयर 3 की प्रोटोकॉल्स को क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है अपने अंदर। क्लियर है इतना? आईपी आगे एचडीएलसी में, वो किस पे डिपेंड करता है? लिंक पे, सीरियल लिंक है ना। अगर यहाँ पर आगे तुम्हारा होता क्या नाम है, फास्ट इथरनेट लिंक होता तो यहाँ पे क्या होता? इथरनेट फ्रेम होता,
क्योंकि सीरियल लिंक है, सीरियल पे प्रोटोकॉल कौन सी चलती है, HDLC, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब देखो जैसे ही मैं राउटर के ऊपर क्या लाता हूँ, राउटर EIGRP 1 नेटवर्क, अब मैंने राउटर 1 पे EIGRP इनेबल किया है इंटरफेस पे, तो अब क्या होगा, ये राउटर उसी वक्त उस इंटरफेस से क्या सेंड करेगा, हेलो। तो ये देखो EIGRP हेलो सेंड करने शुरू कर देगा वो, कर दिए। अब ये तुम्हारे EIGRP के हेलो, EIGRP कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है, नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल है ना। अब IP क्या कैरी कर रही है तुम्हारी, देखो अब EIGRP ना TCP के अंदर आ रही है और ना ही किसके अंदर आ रही है, UDP के अंदर, क्योंकि वो कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है, खुद ही नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल है। किसके अंदर कैरी है, IP पैकेट के अंदर। अब तुम्हारा IP पैकेट क्या बता रहा है कि वो किसे कैरी कर रहा है, EIGRP को। तो प्रोटोकॉल फील्ड से हमें क्या पता चलता है कि तुम्हारा IP पैकेट कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, कैरी। क्लियर है प्रोटोकॉल फील्ड, शुक्र है तुम्हें भी हुआ कुछ क्लियर। अब इसमें एक चीज बताओ, इसमें वीडियो की क्या जरूरत है, वो डिलीट करते हैं आज जाते टाइम। देखो तुम अपनी डिपेंडेंसी जितनी बढ़ाते जाते हो ना, उतना ही तुम खुद को वीक करते जाते हो। पता नहीं कितनी विंडोज खुली हुई हैं। इतना क्लियर है क्या, कौन बंदा है, हैंड रेस करे पहले, आपने पूछा था। वो जब DNS के बारे में कुछ बताऊंगा फिर ही बता पाऊंगा, क्योंकि देखो वो उसकी डिस्कशन पूरी क्लास के लिए यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि इनको पता नहीं DNS बेसिकली काम कैसे करता है क्या। आपको आता है DNS, वो बता दूंगा फिर बाद में, नॉट नाउ, क्योंकि अभी यार इतना ही खत्म हो जाए तो बहुत किला फतेह करने वाली बात हो जाएगी आज IP पैकेट पूरा खत्म हो जाए तो, क्योंकि उसमें DNS आ गया फिर आधे बंदे सोच रहे हैं पढ़ जाएंगे, पता नहीं क्या पूछ लिया इस बंदे ने। तो DNS आगे पढ़ा दूंगा तुम्हें, OSPF के अंदर CCNA की बुक में, उसमें तो कुछ भी नहीं है यार, इस प्रोटोकॉल का कुछ भी नहीं है। पहले आपको DNS की फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए ना, सर्वर क्या होता है आपका, DNS सर्वर कैसे काम करता है। पहली तुम्हारी क्वेरी जाती है क्या, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखो प्रोटोकॉल फील्ड भी खत्म हो चुकी है, सोर्स IP डेस्टिनेशन IP तुम्हें पता ही है क्या होता है। अगर पैकेट 10.1 से 10.2 पे जा रहा है तो सोर्स IP क्या होगा, 10.1, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, 10.2। पैडिंग बता चुके हैं, हेडर चेकसम डिस्कस करते हैं, शायद ये भी पहले कर चुके हैं। देखो हेडर चेकसम क्या होता है, हेडर चेकसम तुम्हारा यूज होता है एरर डिटेक्शन के लिए। किस लिए यूज होता है, एरर डिटेक्शन के लिए। हेडर चेकसम का मतलब समझो, अब देखो ये एक सेंडर है और ये एक रिसीवर है, इसका IP एड्रेस है 10.1, इसका IP एड्रेस है 10.2। देखो ये क्या करेंगे, सबसे पहले एक IP पैकेट फॉर्म होगा, ये है डेटा और ये तुम्हारा क्या है, IP हेडर। तुम्हारा सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP 10.1 और 10.2 किसके अंदर होंगे, IP हेडर के अंदर ही होंगे ना वो, तो समझ पा रहे हो। जब ये सेंडर है, जब ये सेंडर इस डेटा को सेंड करेगा, इसके IP हेडर के ऊपर वो क्या रन करेगा, हेडर चेकसम। क्या रन करेगा, हेडर चेकसम। चेकसम एक एल्गोरिदम होती है जो इसके ऊपर रन करेगा, वो तुम्हारे बिट्स के बेसिस पे कैलकुलेट करेगी एक वैल्यू, ठीक है। एक वैल्यू आ गई, हेडर चेकसम रन किया तुम्हारे सेंडर ने, सेंडर ने पैकेट को एग्जिट करने से पहले इसके ऊपर क्या रन किया, हेडर चेकसम, और उस चेकसम की एक वैल्यू आई, ये वैल्यू आ गई, तो उस यूजर ने उस हेडर चेकसम को साथ अटैच करके भेज दिया। अब जब ये वाला रिसीवर वो पैकेट को रिसीव करेगा तो ये क्या देखेगा, ये IP पैकेट है, ये उसके साथ क्या है, मेरा डेटा है, और उसके साथ चेकसम चेकसम हेडर चेकसम वैल्यू कितनी लगी हुई है, 1, 2, 3, 4। तो वो क्या करेगा, दोबारा से उसी हेडर के ऊपर वो वही प्रोटोकॉल चेकसम प्रोटोकॉल दोबारा रन करेगा। अगर उसका रिजल्ट आता है सेम 1, 2, 3, 4 तो वो उस डेटा को मानेगा कि ये करेक्ट है और उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट। अगर उसका रिजल्ट कुछ डिफरेंस आया तो इसका मतलब कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन उस डेटा में कुछ ना कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो उस डेटा को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। चला पता,
उसने एरर चेक कर लिया ना, क्योंकि देखो अगर मैं डेटा सेंड करता हूँ और उसके ऊपर एक एल्गोरिथम रन करके एक वैल्यू निकालता हूँ, अगर वही एग्जैक्ट डेटा तुम्हारे पास पहुंचता है, तुम भी अगर वही एल्गोरिथम रन करते हो, तुम्हारा रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए। अगर तुम्हारा रिजल्ट वही नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि डेटा के अंदर कुछ ना कुछ एरर आई है, हेडर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ही तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, मिसमैच हो रहा है। समझ आप समझ पा रहे हो इस चीज को? जब मैं डेटा सेंड करूंगा, मैंने एक एल्गोरिथम रन की, रिजल्ट आया, तुम्हें भेज दिया, साथ में तुम भी डेटा रिसीव करोगे, वही एल्गोरिथम दोबारा रन करोगे, तुम्हारा रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, एग्जैक्टली सेम। अगर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अल्टरेशन या कुछ ना कुछ चेंजेस हो चुके हैं, यस और नो, तो रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। तो उस केस में रिसीवर अगर हेडर चेकसम डिफरेंट आता है तो उसको पैकेट को एक्सेप्ट वो नहीं करता। चला पता? एल्गोरिथम फॉरवर्ड नहीं होती, उसका रिजल्ट फॉरवर्ड होता है, उसको पता होता है। बोथ नो, अगर सेंडर को पता है मैंने हेडर चेकसम रन करना है, तो रिसीवर को भी तो पता होगा ना मैंने इसको रीरन करना है। ऑल यूज ओएसआई मॉडल, ऑल यूज ओएसआई मॉडल। अभी देखो ध्यान से, पहली फील्ड क्या है तुम्हारी, वर्जन हेडर लेंथ। देखो जिस तरह से इस सीरीज में फील्ड दिख रही है ना तुम्हें, अगर तुम्हें कैप्चर दिखाऊंगा उसमें भी उसी सीरीज में है, पहले वर्जन है, फिर हेडर लेंथ है, फिर टाइप ऑफ सर्विस है, फिर टोटल लेंथ है, फिर आइडेंटिफायर, फ्लैग्स, फ्रेगमेंट्स अपडेट, फिर टीटीएल, फिर प्रोटोकॉल, फिर हेडर चेकसम। अगर तुम कोई भी कैप्चर चेक करो ध्यान से देखो, पहले वर्जन है, फिर हेडर लेंथ है, फिर ये है, फिर टोटल लेंथ है, फिर आइडेंटिफिकेशन है, फिर फ्लैग्स है, फिर फ्रेगमेंट ऑफसेट, टाइम टू लिव, फिर ऑफसेट, फिर प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद क्या है, चेकसम। अब देखो ये पैकेट किसने सेंड किया, 10.1 ने सेंड किया 10.2 को, इसका चेकसम लगा हुआ है ना साथ में। अब मैंने चेकसम कितना निकाल के भेजा है, A7BA, ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, तो सामने वाले का रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, तो ही सामने वाला क्या करेगा, मेरे डेटा को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो सामने वाला मानेगा कि डेटा में एरर है, डेटा क्या कर देगा, वो ड्रॉप कर देगा। समझ पा रहे हो? देखो जब मैंने ये पैकेट भेजा, पूरे हेडर के ऊपर मैंने चेकसम रन करके मेरा रिजल्ट क्या आया, ये रिजल्ट आया, मैंने साथ में भेज रहा हूं ना रिजल्ट, ताकि जब सामने वाला दोबारा हेडर चेकसम रन करेगा तो वो अपना रिजल्ट जो आएगा ना उसका, वो उसको इसके साथ मैच करेगा जो मैंने लगा के भेजा, अगर उससे मैच कर गया तो पैकेट एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो डेटा क्या कर देगा, ड्रॉप। सिंपल है, आ गया समझ में? पीछे और नागालैंड वालों को कोने में, भाई आपको दिखती है स्क्रीन? श्योर? ओके, पीछे वाले बंदों को विजिबल है, पक्का ना? पीछे से जाके देखते हैं एक बार, विजिबल है प्रोजेक्टर तेरे ऊपर नहीं गिरेगा भाई, जा कर ठीक, नहीं पैजा पैजा रहने दे, तू रहने दे, अभी क्लास चलेगी हमारी, आराम से बैठ तू चुपचाप। ओके भाई, ठंडा करो उसको, जिसका भी फोन था ये, इसको
ओके देखो भाई, ये इतनी चीजें डिस्कस कर चुके हैं हम, टाइम टू लिव प्रोटोकॉल और हेडर चेकसम हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है? मतलब समझ में आया क्या होता है? Yes, कि देखो जो सेंडर है वो चेकसम वैल्यू कैलकुलेट करके हेडर चेकसम फील्ड के अंदर डाल के भेजेगा रिसीवर को, और रिसीवर उस वैल्यू को दोबारा क्या करेगा, रिकैलकुलेट, उसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, सेम। अब देखो वर्जन, हेडर लेंथ, टाइप ऑफ सर्विस, टोटल लेंथ, ये सारी फील्ड हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इससे ज्यादा डिटेल में मैं डिस्कस कर भी नहीं सकता क्योंकि इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। अब फिलहाल हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर, फ्लैग्स और फ्रेगमेंट ऑफसेट। ये रिलेटेड है रिगार्डिंग फ्रेगमेंटेशन, तुम्हारा आईपी पैकेट कब फ्रेगमेंट होगा। देखो कई बार क्या होता है कि तुम्हारे नेटवर्क के अंदर तुम्हारे आईपी पैकेट का साइज इतना होता है कि कुछ राउटर उसको फॉरवर्ड नहीं कर पाते। तुम्हारे नेटवर्क के अंदर किसी आईपी पैकेट का साइज इतना होगा कि वो तुम्हारे राउटर्स जो होंगे उनको फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में राउटर्स को क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे आईपी पैकेट को ब्रेक करना पड़ेगा इनटू फ्रेगमेंट्स। क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा इनटू द फ्रेगमेंट्स। अब देखो फ्रेगमेंटेशन का इशू क्या आता है, फ्रेगमेंटेशन तुम्हारी क्यों होगी और कब होगी। देखो एक तुमने पढ़ा होगा MTU नाम की चीज होती है राउटर्स के अंदर, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होती है। अब देखो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट राउटर को ये बताती है कि कितने मैक्सिमम साइज का डेटा वो सेंड करेगा और कितने मैक्सिमम साइज का डेटा वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। चला पता, सपोज जो ये वाला लिंक है इसका सपोज करो, देखो MTU कितना है, 1500, मतलब कि 1500 बाइट, मतलब कि इस इंटरफेस के अंदर जो मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा एंटर कर सकता है वो कितना है 1500 बाइट, और आउट कितने साइज का हो सकता है, 1500 बाइट का ही। क्लियर है इतना? सपोज करो इस लिंक का MTU भी कितना है, 1500, और इसका भी कितना है, 1500, इसका कितना है बट 600, इसका किसका कितना है, 600। अब इस केस में देखो नीचे एक पीसी है, इसका भी कितना है, 1500। अब मैंने इस पीसी से इस पीसी को डेटा सेंड किया जो कितने साइज का था, 1000 बाइट का, कितने साइज का था, 1000 बाइट का। अब इसका MTU कितना है, 1500, ये रिसीव कर लेगा आराम से कर लेगा और उसको एग्जिट भी कर देगा क्योंकि इसका MTU कितना है, 1500। अब ये वाला राउटर है जो राउटर 2 है, उसने इनकमिंग इंटरफेस का MTU कितना है, 1500, तो वो 1000 बाइट का डेटा एक्सेप्ट कर लेगा, बट जब उसको एग्जिट करना है तो जिस इंटरफेस से एग्जिट करना है उसका MTU कितना है, 600। तो मतलब डेटा कितने साइज का है, 1000 बाइट का, और राउटर का MTU कितना है, 600। तो इस केस में तुम्हारा राउटर 2 उस डेटा को एग्जिट नहीं कर सकता अनलेस अनटिल इट फ्रेगमेंट्स दैट डेटा, ठीक है ना? अब तुम्हारा राउटर जो 2 है उस डेटा को फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रेगमेंट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि MTU साइज ही कितना है, मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा जो वो एग्जिट कर सकता है वही कितना है, 600 है। अगर इसको ये डेटा एग्जिट करना है तो डेटा का साइज कितना करना पड़ेगा, 600 करना पड़ेगा या उससे कम करना पड़ेगा। तो वो किस केस में हो सकता है, जब वो तुम्हारे आईपी पैकेट को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। तो इस केस में तुम्हारा राउटर क्या करेगा, इसको 2 पीसीज में ब्रेक करेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा। क्लियर है इतना? फ्रेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, देखो नेटवर्क में क्या होता है, देखो हर एक वेंडर के जो राउटर्स होते हैं ना उनका MTU साइज क्या होता है, डिफर करता है। और नेटवर्क में तुम्हें क्या पता किन राउटर्स के अंदर क्या MTU साइज चल रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तुमने तो अपने एंड से देखो www.facebook.com खोला, तुम्हारा डेटा किस में जाएगा, आईपी पैकेट के अंदर जाएगा। अब कितने राउटर को क्रॉस करके जा रहा है और उनके बीच का MTU क्या तुम्हें पता है, नहीं पता। कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। वैसे ज्यादातर TCP बेस्ड कनेक्शंस के अंदर पाथ MTU डिस्कवरी पहले हो जाती है। क्या होती है, पाथ MTU डिस्कवरी होती है। पाथ MTU डिस्कवरी में वो पहले ही देख लेते हैं कि थ्रू आउट द पाथ मिनिमम MTU कितना है, फिर उतने साइज का पैकेट भेजते हैं। पाथ MTU डिस्कवरी के बारे में सुना है किसी ने, ये पढ़ के आना। पाथ MTU डिस्कवरी क्या होती है, पाथ MTU डिस्कवरी क्या होती है कि देखो मैं और लास्ट वाला भाई साहब हम TCP कनेक्शन बना रहे हैं। जब मैं यहाँ से डेटा सेंड करूँगा ना, सपोज तुम सब क्या हो, राउटर हो, तो हम दोनों ये फिगर आउट कर लेंगे कि यहाँ से लेके वहाँ तक जितने भी राउटर है उसमें मिनिमम MTU साइज क्या है, और फिर जो हम डेटा सेंड करेंगे ना उस MTU साइज के अकॉर्डिंगली करेंगे ताकि हमारा आईपी पैकेट फ्रेगमेंट ना हो इन द पाथ। चला पता, ये तुम्हारी क्या होती है, पाथ MTU डिस्कवरी। मतलब कि एक्चुअल में डेटा फॉरवर्ड करने से पहले हम ये चेक करेंगे नेटवर्क के अंदर कि जितने राउटर के थ्रू मेरा डेटा जाएगा उनके अंदर जो मिनिमम MTU साइज था वो कितना था। अब मिनिमम मुझे पता चल गया, अब मैं पैकेट उससे बड़ा भेजूंगा ही नहीं, तो किस फ्रेगमेंट होगा ही नहीं फिर। नुकसान तो नहीं है बट कई एप्लीकेशन की ये रिक्वायरमेंट होती है कि उनका डेटा फ्रेगमेंट ना हो। कितने पैकेट फ्रेगमेंट कर लोगे, अब खुद सोच के देखे 1000 पैकेट जा रहे हैं तो 1000 फ्रेगमेंटेशन करना सही होगा, ठीक है ना? 1000 के 4000 बन जाएंगे, राउटर CPU यूज होगा ना उसमें।
पैकेट ज्यादा होने का इशू नहीं है, जिस राउटर को करनी पड़ेगी ना फ्रेगमेंटेशन उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उस राउटर को एक पैकेट से दो क्रिएट करने पड़ते हैं। अब देखो फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है, देखो ये राउटर है, इसका इनकमिंग एमटीयू कितना है 1500 और आउटगोइंग कितना है सपोज करो 500, ठीक है। इसके पास एक पैकेट आया, देखो ये तुम्हारा डेटा है और इसके साथ क्या लगा हुआ है आईपी हेडर, तो वो फ्रेगमेंट आईपी हेडर को नहीं करता। अब देखो अब क्या करेगा, जो ये तुम्हारा डेटा है ना ये इसके कितने कर देगा, सपोज दो पीस कर दिए, कितने पीस कर दिए दो पीस कर दिए, और जो ये आईपी हेडर था ना एक हेडर इसके साथ लगा दिया और एक इसके साथ लगा दिया, समझ में आया। एक्चुअल में क्या किया, डेटा को दो पीस में ब्रेक करके हेडर वही रहने दिया, समझ पा रहे हो, डेटा वही रहा, मतलब हेडर वही रहा, जो डेटा था उसको दो पीस में ब्रेक किया और वही हेडर एक उससे चिप निकाल के दूसरे पे चिपका दिया, दो पैकेट बना दिए। बट ये काम किसने किया, तुम्हारे राउटर ने किया ना, तो उसका सीपीयू भी लगेगा ना इसके अंदर, पहले इसको ब्रेक करेगा फिर उसके साथ दोबारा हेडर अटैच करेगा, मतलब कि वो पूरा पैकेट दोबारा से क्रिएट हो रहा है एक हिसाब से। फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है, कि एक्चुअल में तुम्हारा आईपी हेडर नहीं ब्रेक होता, आईपी हेडर एज इट इज उस डेटा के छोटे जो पीसीज होते हैं उनके साथ क्या हो जाता है अटैच हो जाता है और कुछ नहीं होता। पीछे समझ में आया क्या होती है फ्रेगमेंटेशन, मैं डेटा को ब्रेक करूंगा और आईपी हेडर जो मेरे मेजर पैकेट का था वही लगा के किस पे लगा दूंगा, फ्रेगमेंट के ऊपर। देखो मेरा मेजर पैकेट के ऊपर जो आईपी हेडर था मैंने डेटा को क्या कर दिया, फ्रेगमेंट दो पीस में ब्रेक किया और जो हेडर था वो उसी पे लगा दिया। अब देखो एक सिंपल सी चीज है, मैंने ये डेस्क ट्रांसपोर्ट करना है एज इट इज नहीं कर सकता, और ट्रांसपोर्ट मैंने जिस जगह पे करना है उसका एड्रेस मुझे पता है वहां पे करना है। अब देखो मैं जब ट्रांसपोर्ट पे डालूंगा इस पे एड्रेस लिख दूंगा, सपोज चिपका दिया एड्रेस, अब एक पीस अगर मैं इसको चार पीसेस में डिवाइड करता हूँ हर एक पीस पे वही एड्रेस लगेगा ना, क्योंकि हर एक पार्ट कहाँ पे जाना है वहीं पर ही जाना है, एड्रेस तो वही लगेगा। बट हुआ क्या, मैंने जो एक्चुअल चीज थी उसको मैंने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसको मैं एज ए वन नहीं ट्रांसपोर्ट कर रहा, एज ए फोर ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। बट जो ट्रांसपोर्ट सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस है वो किसके अंदर, आईपी के अंदर, वो सबके ऊपर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है, पीछे आया समझ में, तो तुम्हें इसकी रिक्वायरमेंट समझ में आई फ्रेगमेंटेशन की। पाथ एमटीयू डिस्कवरी मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि कई एप्लीकेशन फ्रेगमेंटेशन नहीं चाहती, तो उस केस के अंदर वो पहले क्या करती हैं, पाथ एमटीयू डिस्कवरी, मतलब मैंने फेसबुक के सर्वर के साथ बनाया टीसीपी कनेक्शन, तो उस टीसीपी कनेक्शन को बनाते बनाते उन्होंने क्या डिस्कस कर लिया कि हमारा मिनिमम जो पाथ एमटीयू है वो कितना है, मतलब तुम्हारी रीचेबिलिटी है फेसबुक तक, तुम्हारी रिक्वेस्ट गई फेसबुक तक पहुंच गई, बट फेसबुक ने और तुमने मिलके क्या डिसाइड किया कि हमारे और उसके बीच में जो मिनिमम एमटीयू साइज था वो कितना है, मिनिमम एमटीयू साइज सपोज था 600, तो हम 500 बाइट से बड़ा कोई पैकेट आपस में एक्सचेंज करेंगे नहीं ताकि हमारा डेटा फ्रेगमेंट हो ही ना, वो होती है पाथ एमटीयू डिस्कवरी। अगर पाथ एमटीयू डिस्कवरी नहीं हो रही तो उस केस में तुम्हारा आईपी पैकेट क्या होगा, फ्रेगमेंट, तुम्हारा आईपी पैकेट क्या होगा, फ्रेगमेंट, उसको चंक्स के अंदर क्या किया जाएगा, ब्रेक डाउन, फिर उसको क्या किया जाएगा नेटवर्क पे फॉरवर्ड। हाँ जी, टोटल लेंथ चेंज हो जाएगी हर किसी की, हेडर लेंथ वही रहेगी। हाँ हाँ, देखो टोटल लेंथ चेंज होगी, सपोज देखो इसमें मशीन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, मशीन पर उतना ही भेजेगी, मशीन को मतलब जो एमटीयू का साइज होगा जैसे मान लीजिए 600 है, हाँ, तो राउटर से पहले वो 1500 का जाएगा, पहला राउटर उसको करेगा चंक्स में डिवाइड करेगा या मशीन ही पर 600 एमटीयू का भेजेगा। देखो मशीन तो उतने का भेजेगी, देखो क्या होता है, अब देखो टीसीपी कनेक्शन फॉर्म होते क्या होता है, मैंने और उन्होंने टीसीपी कनेक्शन फॉर्म किया, काली शर्ट वाले लड़के ने, आपका नाम क्या है, विपिन ने टीसीपी कनेक्शन फॉर्म किया, ये तुम सब राउटर हो, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने और विपिन ने डिसाइड करना है टीसीपी कनेक्शन बनाते टाइम हमने डिसाइड करना है जो मैक्सिमम सेगमेंट का साइज है वो हम कितना भेजेंगे, बट उससे पहले हम क्या डिसाइड कर लेंगे, पाथ एमटीयू डिस्कवरी। पाथ एमटीयू डिस्कवरी में मुझे ये पता चला कि सबसे बड़ा एमटीयू कितना है, सबसे छोटे से छोटा एमटीयू कितना है, 600 है, तो हम जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज आपस में डिसाइड करेंगे वो मैं क्या रखूंगा, 400, 400 रख दिया। और उससे क्या हुआ, अब मेरे कंप्यूटर को पता है कि ये जो ये वाला टीसीपी सेशन है ना इसके ऊपर जो बड़े से बड़ा साइज का डेटा जाएगा वो होगा 400 साइज की सेगमेंट होगी। टीसीपी कनेक्शन के दौरान हमने नेगोशिएट कर लिया ये पहले ही, मैंने हमारा टीसीपी कनेक्शन बन रहा था ना, हमने पहले डिसाइड कर लिया कि हम इतने साइज का डेटा भेजेंगे, उससे बड़ा नहीं भेजेंगे। अब देखो ध्यान से एक कैप्चर में, अगर तुम्हें मैं टेलनेट दिखाता हूँ, ध्यान से देखना टेलनेट, सेशन में होती है,
अब ये देखो तुम्हारा टीसीपी थ्री वे हैंडशेक जब होता है, देखो यहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक, ठीक है। टेलनेट, टेलनेट कौन सी है, टीसीपी प्रोटोकॉल है, और टीसीपी क्या करती है, थ्री वे हैंडशेक। अब जब थ्री वे हैंडशेकिंग तुम्हारी चल रही थी, मतलब हमने एक्चुअल फॉरवर्डिंग शुरू करने से पहले एक दूसरे के साथ क्या डिसाइड किया कि हमारी मैक्सिमम सेगमेंट का साइज कितना होगा, 1500, ठीक है, क्योंकि लिंक का एमटीयू कितना है, लिंक का एमटीयू कितना है बताओ, 1400 बाइट है, और इसके साथ 20 बाइट का क्या लगेगा, आईपी हेडर कितना हो गया 1480, और 10-15 बाइट का क्या लग जाएगा, लेयर 2 का हेडर भी लगेगा ना, फिर कितना, कितने साइज का हो जाएगा पूरा, 1500 का, क्लियर है इतना। तो देखो जब हम, देखो मैंने जब तुम्हारे साथ टीसीपी सेशन बनाना ना, मैंने पहले ही डिसाइड कर लेना है कि हम जो मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा है वो कितने का सेंड करेंगे, ठीक है, हमें पहले से पता है। अब देखो हमने डिस्कवर किया कि अलोंग द पाथ मिनिमम एमटीयू कितना है, 600, हमने पहले ये डिस्कवर किया, अभी हमारी कम्युनिकेशन शुरू ही नहीं हुई, हमने डिसाइड किया मिनिमम कितना है, 600 है। तो हमने और उसने क्या डिसाइड किया कि बेसिकली जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज है वो कितना है, 600 से कम ही होगा, ताकि जब हम डेटा नेटवर्क पर ट्रांसपोर्ट करें तो उसकी सेगमेंट फ्रेगमेंटेशन ना हो। क्लियर हुआ ये? तो देखो अगर हमने पाथ एमटीयू डिस्कवरी नहीं की तो उसने मुझे बोल दिया कि हम सेंड करेंगे 1400 बाइट का, मैंने बोल दिया 1400 बाइट का, ठीक है, बट जब हम सेंड करेंगे तो उस राउटर के पास गया जिसका एमटीयू कितना है, 600, तो वो क्या करेगा, डेटा को फ्रेगमेंट करेगा ना, फिर ही आगे फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि मैंने तो 1400 सब बाइट का भेज दिया, उसका एमटीयू साइज कितना है, 600, तो वो 600 का फॉरवर्ड, वो 1400 का फॉरवर्ड कर नहीं सकता, उसको क्या करनी पड़ेगी, फ्रेगमेंटेशन। ये क्लियर है सबको, क्लियर है, पीछे समझ में आया आपको? अच्छी बात है, करा रहे तो आपको क्लियर है, तेनो पूछिए। हाँ जी, हो जाता है, और साथ में फ्रैगमेंट भी हो जाता है, फ्रैगमेंट साइज नहीं, फ्रैगमेंट साइज नहीं। ये देखो, अब देखो डायग्राम में समझो, तुमने इंसानों वाले राउटर में तुम नहीं समझ पाए, ह्यूमन राउटर्स कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग। नाउ सी, वी हैव फोर राउटर्स, फॉर एग्जांपल वी हैव फोर राउटर्स एंड वन कंप्यूटर इज हेयर एंड वी हैव वन सर्वर हेयर। नाउ सी इन दिस सिनेरियो, एमटीयू ऑफ दिस लिंक इज 1500, फॉर दिस लिंक इज 600, फॉर दिस लिंक इज 1500, फॉर दिस लिंक इज ऑल्सो 1500, एंड फॉर दिस लिंक इज ऑल्सो 1500। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इसने और इसने बनाया टीसीपी कनेक्शन, टीसीपी कनेक्शन बनाना, हमने टीसीपी कनेक्शन बनाते टाइम देखो, नॉर्मली मैं अपने जो मेरे इस इंटरफेस का एमटीयू होगा ना, उसी को क्या बोलूंगा कि वही एमटीयू है, मतलब कि देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने आपस में, मैंने टीसीपी क्या भेजी, सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट। अब जो मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, इसी के दौरान मैं क्या डिसाइड करूंगा कि मैक्सिमम साइज ऑफ सेगमेंट हम क्या सेंड करेंगे, ठीक है, बट उससे पहले मैं टेस्ट पैकेट भेजूंगा, डेटा सेंड करके देखूंगा उसके तरफ। सपोज देखो, सबसे पहले मैंने डेटा सेंड किया, ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैंने डेटा सेंड किया कितने बाइट का, सपोज करो 1000 बाइट का, तो ये वाला राउटर फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा उसे, तो वो फ्रैगमेंट नहीं करेगा, देखो ये वाला राउटर से फॉरवर्ड नहीं करेगा, फ्रैगमेंट नहीं करेगा, और वापस दे देगा कि कंजेशन है, फॉरवर्ड नहीं कर सकता। फिर मैं क्या करूंगा, उससे कम साइज का डेटा सेंड करके देखूंगा, 500 का, ये उसे फॉरवर्ड कर देगा, तो मुझे पता चल गया कि 500 का फॉरवर्ड कर सकता है। बट ये चीज़ अभी पाथ एमटीयू डिस्कवरी है, तुम्हें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक चीज़ समझो, फ्रैगमेंटेशन समझो सिर्फ, ये ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है इतनी, पहले ये समझ में आएगा फिर ही वो समझ में आएगा। अब देखो फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझ में आया कब होगी, क्योंकि देखो जब राउटर का एमटीयू साइज क्या होगा, छोटा किससे, डेटा साइज से। इसका एमटीयू है 1500, इसका कितना है 600, पैकेट आया कितना 1000 बाइट का, तो आगे फॉरवर्ड करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंटेशन की एक कंडीशन होती है, देखो जो तुम्हारा आईपी हेडर होता है ना, अब ये कितने बाइट का आ रहा है, 1000 बाइट का, आगे का एमटीयू कितना 600, अब ये राउटर इसे क्या करेगा, फ्रेगमेंट।
बट फ्रेगमेंट करने की भी क्या होती है, एक कंडीशन होती है, जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी राउटर पैकेट को फ्रेगमेंट नहीं कर सकता। देखो इस ध्यान से, इस चीज को ध्यान से देखना, आईपी के अंदर ये है फ्लैग्स। अब फ्लैग्स में एक फ्लैग है तुम्हारा क्या, डू नॉट फ्रेगमेंट फ्लैग। या अब देखो ये फ्लैग दिख रहे हैं आपको, देखो मैंने एक आईपी पैकेट सेंड किया 1000 बाइट का, मैंने 1000 बाइट का पैकेट सेंड किया, राउटर ने इनकमिंग में रिसीव कर लिया, बट राउटर का आउटगोइंग एमपीयू कितना था, 600 था। अब इसको क्या करना पड़ेगा, पैकेट को ब्रेक करना पड़ेगा तो ही फॉरवर्ड कर सकता है, बट उसको ब्रेक करने की कंडीशन क्या है कि जो ये डू नॉट फ्रेगमेंट बिट है ना, ये वाली डू नॉट फ्रेगमेंट बिट है इस फ्लैग के अंदर, ये क्या होनी चाहिए, जीरो। अगर ये 1 होगी ना तो राउटर इस पैकेट को फ्रेगमेंट नहीं कर सकता। अब देखो कंडीशन क्या है तुम्हारी, डू नॉट फ्रेगमेंट, ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब ये बिट क्या होगी, 1, और फॉल्स कब होगी, जब बिट क्या होगी, 0। अगर ये बिट 0 है तो ये मेरे पैकेट को फ्रेगमेंट कर सकता है। इस बिट 0 को अगर इसे पता चलेगा कि इसकी बिट क्या है, 0 है ये वाली, तो इसको पता है कि जो सेंटर है उसने तुम्हें अलाउ कर रखा है क्या करने के लिए, फ्रेगमेंटेशन। अगर ये वाली बिट क्या होती, 1, तो ये वाला राउटर पैकेट रिसीव करके आगे फ्रेगमेंट नहीं करता, ये सिंपली मुझे एरर मैसेज देता कि इसके साइड पे क्या हो चुकी है, कंजेशन। देखो एमटीयू छोटा है, कंजेशन ही है, फॉरवर्ड नहीं कर सकता, ये मुझे एरर मैसेज देगा क्या हो चुकी है, कंजेशन। तो उस केस में तुम्हारी डीएन बिट क्या होनी चाहिए, 0, तो ही राउटर फ्रेगमेंटेशन करेगा, तब तक नहीं करेगा। तुम्हारे आईपी हेडर के अंदर 3 फ्लैग होते हैं, पहला फ्लैग है रिजर्व, दूसरा फ्लैग है डू नॉट फ्रेगमेंट, और ये फ्लैग है मोर फ्रेगमेंट। ये फ्लैग का कोई यूज नहीं, इन 2 फ्लैग के यूजेस हैं, चला पता। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जब फ्रेगमेंटेशन होनी है तो तुम्हारे पैकेट के अंदर जो डीएन बिट है ना वो क्या होनी चाहिए, 0। अगर वो 1 है तो तुम्हारा राउटर उस पैकेट को फ्रेगमेंट नहीं करेगा। क्लियर है इतना पीछे, तो डीएन बिट अगर 0 नहीं है तो पैकेट फ्रेगमेंट नहीं हो सकता। तो फ्रेगमेंटेशन की पहली कंडीशन क्या है, डीएन बिट मस्ट बी 0। अब ध्यान से देखो इस केस को समझो, इसका एमटीयू कितना है, 1500, और इसका कितना है, 600। ये आईपी पैकेट कितने साइज का है, सपोज 1200 बाइट्स का है, ठीक है। अब इस आईपी पैकेट को ये राउटर कब फ्रेगमेंट करेगा, जब डीएन किसके इक्वल होगी, 1 के, 0 के। जब डीएन किसके इक्वल होगी, 1 के। अगर डीएन 0 के इक्वल है तो ये, जब डीएन 0 के इक्वल है तो राउटर क्या कर देगा, फ्रेगमेंट। अगर 1 के इक्वल है तो फ्रेगमेंटेशन नहीं करेगा, पीछे एरर दे देगा कि मेरी तरफ क्या हो चुकी है, कंजेशन हो चुकी है, ठीक है। अब ये देखो आईपी हेडर, अगर देखो अरे छोड़ो ईसीएन को अभी, ये फ्रेगमेंट वो जैसे मर्जी बताए, वो बात की कहानी, पहले इतना समझ में आया, वो बता देगा, उसी से बता देगा। अब देखो फ्लैग्स दिख रहे हैं आपको, ये फ्लैग्स कितने थे तुम्हारे, 3 थे। ये फ्लैग्स कितने थे, 3 थे। पहला क्या था, रिजर्व था, दूसरा क्या था तुम्हारा, डोंट फ्रेगमेंट, और तीसरा क्या था तुम्हारा, मोर फ्रेगमेंट। एक तो यूज नहीं होता, 2 एक फ्लैग, समझ में आया क्या होता है, एक फ्लैग। अब एक तुम्हारा होता है आइडेंटिफायर, और एक तुम्हारा क्या होता है, फ्रेगमेंट ऑफसेट। एक तुम्हारा क्या है, आइडेंटिफायर, और एक तुम्हारा क्या है, फ्रेगमेंट ऑफसेट। सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, आइडेंटिफायर। अब एक चीज समझो ध्यान से, ये तुम्हारा राउटर है। अब देखो इसका इनकमिंग एमटीयू साइज है 1500, और आउटगोइंग एमटीयू साइज है सपोज 400, ठीक है। अब यहां से एक आईपी पैकेट आ रहा है, उसका साइज कितना है, 1000 बाइट्स। तो इस राउटर ने आगे उसके कितने फ्रेगमेंट कर दिए, सपोज ये पैकेट कितने साइज का था, 1400 बाइट्स का। जब राउटर ने इसको आगे फॉरवर्ड किया और इसके ऊपर डीएन बिट क्या थी, 0, इसके कितने फ्रेगमेंट बना दिए उसने, सपोज कितने, 3 बना दिए, 3 नहीं बनेंगे, 4 बनेंगे ना, 4 फ्रेगमेंट बना दिए, 4 फ्रेगमेंट बन गए। अब जो 4 फ्रेगमेंट बने हैं ये वाले, उन सबके साथ एक जो आईपी हेडर लगा था वो सबके साथ वही वाला क्या हो जाएगा, अटैच। एड्रेस सबके साथ वही वाला लगेगा ना, सारा का सारा वही चीज अटैच हो गई,
और उसके साथ साथ क्या होगा, इन सभी पैकेट्स के ऊपर क्या लगेगी, एक आइडेंटिफिकेशन वैल्यू, क्या लगेगी, एक आइडेंटिफिकेशन वैल्यू। जो ये पैकेट था ना, सपोज इसके ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन वैल्यू थी 1 2 3, जो ये पैकेट था ना तुम्हारा ओरिजिनल पैकेट, हर पैकेट के अंदर एक क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन वैल्यू। इसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन वैल्यू क्या थी, 1 2 3। तो देखो जितने भी फ्रेगमेंट बनेंगे उनके ऊपर आइडेंटिफायर क्या लग जाएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। इस आइडेंटिफायर से क्या पता चलता है, जो ये फ्रेगमेंट है ये सेम पैकेट का क्या है, पार्ट है। चला पता, सबके ऊपर आइडेंटिफायर सेम लगने से क्या होगा, जब रिसीवर रिसीव करेगा सबके ऊपर आईडी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो सेम आइडेंटिफिकेशन वैल्यू को देखकर रिसीवर को पता चलेगा कि जितने भी ये फ्रेगमेंट है ये सेम ही आईपी पैकेट का क्या है, पार्ट है। क्लियर है इतना? तो अब ये फील्ड का मतलब समझ में क्या आया, क्या होता है आइडेंटिफायर का, आइडेंटिफायर का मतलब क्या है, देखो कि एक आईपी पैकेट है उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन होती है, हर आईपी पैकेट की क्या होती है, एक आइडेंटिफिकेशन। जब उसके फ्रेगमेंट होंगे ना उनके ऊपर आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। चला पता, आइडेंटिफिकेशन वैल्यू भी उनके ऊपर क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है इतना? अब तुम्हारी तीन बिट थी, पहली बिट थी तुम्हारी रिजर्व्ड वाली, दूसरी थी तुम्हारी डीएन फ्रेगमेंट और लास्ट वाली क्या थी, मोर फ्रेगमेंट। पहली बिट को तो तुम्हारा कोई यूज ही नहीं है, डीएन बिट तुम्हारी जीरो होगी तो फ्रेगमेंट होगी, वन होगी तो फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। एक तुम्हारी होती है एमएफ बिट। अब देखो क्या होता है, अब एमएफ बिट का मतलब समझो, सपोज ये मेरा फ्रेगमेंट नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था, ठीक है। सबके ऊपर आइडेंटिफिकेशन वैल्यू क्या होगी, सेम। देखो पहले फ्रेगमेंट के ऊपर एमएफ बिट क्या आएगी, 1, दूसरे फ्रेगमेंट पे भी एमएफ बिट क्या आएगी, 1, तीसरे पे भी एमएफ बिट क्या आएगी, 1, लास्ट वाले पे एमएफ बिट क्या आएगी, 0। अब इसका मतलब क्या है, सपोज ये रिसीवर है, जब इसको पहला फ्रेगमेंट मिला इसको क्या लगा, एमएफ बिट क्या है, 1 है। तो रिसीवर को पता चलेगा कि इसके पीछे एक और फ्रेगमेंट अभी आ रहा है, मोर फ्रेगमेंट का मतलब समझ में आया। जब पहला फ्रेगमेंट मिला उस पे एमएफ बिट तुम्हारे रिसीवर ने क्या एनकाउंटर की, 1 है। तो रिसीवर को क्या लगेगा कि इसके पीछे एक और फ्रेगमेंट आ रहा है। अब अगले पे भी एमएफ 1 है, इसका मतलब एक फ्रेगमेंट और आ रहा है। इस पे भी एमएफ 1 है, इसका मतलब एक फ्रेगमेंट और आ रहा है। इस पे एमएफ क्या मिल गई इसको, 0। अब उसे क्या लगेगा कि इसके बाद और कोई फ्रेगमेंट नहीं आएगा। क्लियर है? ये तुम्हारे पूरे आईपी पैकेट का क्या था, लास्ट फ्रेगमेंट। मतलब समझ में आया एमएफ का? क्लियर है पीछे? बहुत ताकत लगती है तुम्हारी क्लास को। टाइम कितना हुआ है? 11:20। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, यही बात बताने वाला हूँ। पानी की बोतल भर के लेना, पाथीराम को पानी दे के जा सर बोलने क्लास में। ओके भाई, देखो इस चीज को ध्यान से यार, आपस में क्या बातें कर रहे हो, मेरे साथ कर लो थोड़ी बहुत। किसकी वो भी आएगी कहानी, अभी पूरी खत्म थोड़ी हुई है। पहले इस चीज को एक बार समझ लो ध्यान से, एक मिनट रुक जाओ बस। देखो यहां से पैकेट गया तुम्हारा 1000 बाइट का, आगे फॉरवर्ड होगा, यहां पे हो गए इसके कितने फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट। जब ये आगे जाएंगे ना तो ये एज ए फ्रेगमेंट ही ट्रेवल करेंगे जब तक कि ये डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते। इसका मतलब देखो, इस राउटर ने क्या किया, 2 फ्रेगमेंट, अब ये उन फ्रेगमेंट को कंबाइन नहीं करेगा दोबारा। चला पता, एक बार पैकेट अगर दो पैकेट्स में ब्रेक हो चुका है फ्रेगमेंट में, तो वो थ्रू आउट एंड तक वैसे का वैसे ट्रेवल करेगा। फ्रेगमेंट रिकम्बाइन कहाँ पर होंगे, एंड यूजर पे जाके, जिसके लिए वो डेटा है ना वहां पे जाके तुम्हारे क्या होंगे, फ्रेगमेंट रिकम्बाइन। उससे पहले फ्रेगमेंट रिकम्बाइन नहीं होते, फ्रेगमेंट विल ट्रेवल एज इट इज इन द नेटवर्क। एक बार अगर पैकेट के फ्रेगमेंट कर दिए तो देखो जो एंड डिवाइस होगा वही वाला क्या करेगा, उन्हें रिकम्बाइन। मैं नहीं करूंगा, बीच वाले राउटर उसको एज इट इज फॉरवर्ड करते रहेंगे, क्योंकि बीच वाले राउटर को मतलब ही नहीं इनको दोबारा जोड़ने का। राउटर वो उनको एज ए आईपी पैकेट ट्रीट करेगा, फॉरवर्ड करता जाएंगे बाकी वाले। तो रिकॉम्बिनेशन की कोई सीक्वेंसिंग होगी? अरे होगी भाई, वही तो उन्होंने पूछा है। अगर थर्ड राउटर पे 1500 की बजाय 300 हो तो क्या, फिर फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। तो फिर वो फ्रेगमेंटेशन को मार्किंग कैसे करेगा, क्योंकि जैसे पिछले में 1 2 3 लग के आ रहा है।
हाँ, तो इसीलिए तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टीसीपी एप्लीकेशन पहले ही क्या करती है, पाथ एमटीयू डिस्कवरी। अब देखो आइडेंटिफिकेशन का मतलब समझ में आया, और एक उसका मतलब समझ में आया क्या होता है तुम्हारा एमएफ बिट का फ्रैगमेंट, जो तुम्हारी सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हो ना वो क्या होती है फ्रैगमेंट ऑफसेट। देखो अब देखो जो तुम्हारा सीक्वेंस, देखो आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है वो ये बताता है कि फ्रैगमेंट सेम पैकेट के हैं, फ्लैग तीन है एक रिजर्व्ड है, डीएन फ्लैग क्या बताएगा कि फ्रैगमेंटेशन होगी कि नहीं होगी, एमएफ बिट क्या बताएगा कि आगे और फ्रैगमेंट कितने आ रहे हैं, और जो तुम्हारा रीसिक्वेंसिंग वाला फंडा है वो क्या क्या किससे होगा तुम्हारी फ्रैगमेंट ऑफसेट से, फ्रैगमेंट ऑफसेट से क्या होगी तुम्हारी रीसिक्वेंसिंग। तो उससे पहले हम फ्रैगमेंटेशन एक बार कर ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, आर वन है, आर वन का एमटीयू साइज चेक करते हैं कितना है, फिर उस एमटीयू साइज से बड़े पैकेट हम क्या कराएंगे आर वन से एग्जिट। तो अगर वो आर वन वो एग्जिट करेगा, आर वन को क्या करने पड़ेगा, उनको ब्रेक करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट चेक करते हैं कि आर वन का एमटीयू साइज इंटरफेस का कितना है, डू शो इंटरफेस एस वन बाय जीरो, एस वन बाय जीरो का एमटीयू साइज कितना है 1500, एमटीयू साइज 1500 है। अगर मैं इससे एक पिंग भेजूंगा 3000 बाइट की, क्या वो एग्जिट करेगा, नहीं करेगा। अब देखो अब मैं पिंग करता हूँ 10.2 को और इसका साइज सेट कर दिया, सपोज मैंने कर दिया 1000 बाइट का, पिंग गई एमटीयू कितना है 1500, और साइज अगर मैंने सेट कर दिया किसका 14000 का, अब भी हो गई। अब तुम्हारी एक्चुअल में क्या हुई होगी, कैप्चर अगर चल रहा है तो हुई होगी, हो गई, कर दी ना फ्रेगमेंटेशन उसने, सारे पैकेट तुम्हारे क्या कर दिए उसने फ्रेगमेंट कर दिए उसी टाइम, हुए है ना फ्रेगमेंट, क्योंकि बिना फ्रेगमेंटेशन के एग्जिट करना पॉसिबल ही नहीं है। एमटीयू साइज कितना था 1500 और पैकेट तुमने भेज दिया 14000 बाइट का। अब देखो ध्यान से, ये पहला फ्रेगमेंट है, ये पहला फ्रेगमेंट है, इस पहले फ्रेगमेंट में देखो क्या क्या चीजें हैं, ये तुम्हारा आईपी हेडर वही लगेगा, ये तुम्हारा फ्रेगमेंट है, क्या लिखा हुआ फ्रेगमेंटेड आईपी प्रोटोकॉल। अब इसके अंदर हम चीजें चेक करते हैं डिफरेंट क्या क्या हैं, देखो ध्यान से, पहली बात तो देखो आइडेंटिफिकेशन वैल्यू क्या है 0x00E, मतलब अगले फ्रेगमेंट में भी क्या होगी यही होगी। एमएफ बिट क्या है इसकी 1 है, इसका मतलब इसके पीछे और भी इसके भाई बहन आ रहे हैं फ्रेगमेंट्स, ठीक है। फ्रेगमेंट ऑफसेट इसमें क्या है 0, फ्रेगमेंट ऑफसेट 0 होने का मतलब क्या है, ये क्या है सबसे पहला फ्रेगमेंट है, क्लियर है इतना। अब एक काम करते हैं इसको फिर से यार मिनिमाइज। अब देखो अब मैंने ओपन किया सेकंड फ्रेगमेंट, सेकंड फ्रेगमेंट पे भी आइडेंटिफिकेशन क्या है सेम है, एमएफ बिट क्या है 1 है, और आइडेंटिफिकेशन क्या है फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या है 1480, फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या है मेरा 1480, टोटल साइज देखो कितना है इसका 1500 बाइट का भेज रहा है, 1500 बाइट का है ना, इसका मतलब पैकेट डेटा साइज कितना है मेरा 1480 बाइट का, क्योंकि देखो टोटल लेंथ अगर 1500 है तो हेडर साइज कितना है 20 बाइट, तो मेरा साइज कितना है 1480 बाइट। तो ये साइज को क्या यूज कर रहा है एज ए फ्रेगमेंट ऑफसेट, चला बता फ्रेगमेंट ऑफसेट कितना बता रहा है 1480। अब ये चीज मैं डिस्कस करूंगा, अभी ध्यान से देखना तुम, क्या करना है मिनिमाइज। अब देखो एक काम करते हैं हम लास्ट वाले फ्रेगमेंट पे चले जाते हैं सीधा, लास्ट वाले फ्रेगमेंट पे भी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी सेम होगी, बट एमएफ क्या होगी 0। ये तुम्हारा है लास्ट वाला फ्रेगमेंट, ये चेक करो, फ्रेगमेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है सेम है ना, और मोर फ्रेगमेंट क्या है 0, मतलब इसके बाद इस पैकेट का और कोई फ्रेगमेंट नहीं आने वाला, ये लास्ट फ्रेगमेंट था सेम आईपी पैकेट का, क्लियर है। फ्रेगमेंट ऑफसेट कितना है 13320 कुछ इतना फ्रेगमेंट ऑफसेट है, ये समझ में आया फ्रेगमेंट ऑफसेट का, तुम्हें समझ में नहीं आया, बाकी सारे पॉइंट तो क्लियर है ना, क्लियर है सारे पॉइंट्स, जैसा बोला था वैसा ही हुआ ना, नहीं तुम्हें बताऊंगा अभी क्या है उसका मतलब, तुक्के मारने का फायदा ही नहीं है, ठीक है। अब देखो
ये देखो तुम ध्यान से, आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, सेम है। लास्ट फ्रेगमेंट की आइडेंटिफिकेशन भी क्या है मेरी, एग्जैक्टली सेम है। एम ए बिट जीरो, इसका मतलब ये क्या था, लास्ट फ्रेगमेंट। अब फ्रेगमेंट ऑफसेट का मतलब समझो क्या होता है, अब देखो मैंने, मेरे पास डेटा था 14,000 बाइट का, मैंने 1500 के क्या बनाए फ्रेगमेंट, ये एक मेरा फ्रेगमेंट बना, टोटल ये कितना साइज है इसका 1500, इसका साइज कितना है 1480, ये कितने का है 20 का, क्लियर है। अब ये कितने फ्रेगमेंट बने मेरे, 4, मतलब 10 बन गए, ठीक है। अब इसका साइज कितना, जब मैं पहला फ्रेगमेंट भेजूंगा, देखो बेसिकली देखो मैंने एक पैकेट के कितने फ्रेगमेंट किए, 1, 2, 3, 4, आईपी हेडर का साइज निकाल के सबका साइज कितना था 1480 और कितना था 1480, हर किसी का साइज कितना था 1480। जब मैं पहला फ्रेगमेंट भेजूंगा उसमें फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होगा, 0, इसका मतलब ये कौन सा फ्रेगमेंट है, पहला फ्रेगमेंट। जब दूसरा फ्रेगमेंट भेजूंगा उसके अंदर फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होगा, 0 प्लस ये वैल्यू कितने आ गया 1480। जब उससे अगला फ्रेगमेंट भेजूंगा उसमें क्या होगा 1480 प्लस 1480, उससे अगले वाले पे क्या होगा उसके अंदर और 1480। जब पहला फ्रेगमेंट 0 के साथ आया, ठीक है, उसके बाद अगला कितने से आया 1480, तो मुझे पता है कि इससे अगले फ्रेगमेंट का साइज क्या होगा, फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होना चाहिए 1480 प्लस 1480, तो सीक्वेंसिंग भी हो जाएगी ना अपने आप ऐसे, समझ पा रहे हो कि नहीं। पहले का साइज है 0, दूसरे का 1480 है, तीसरे का क्या होगा 1480 प्लस 1480। देखो तुम उसके साइज को क्या यूज कर रहे हो सीक्वेंसिंग के लिए, पहले फ्रेगमेंट का साइज क्या है, देखो 0 है, दूसरे का कितना है 1480, उसके अगले का मुझे पता है कि नंबर क्या होना चाहिए 1480 प्लस 1480 ही होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। अगर ये नहीं है इसका मतलब बीच का एक आध फ्रेगमेंट क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो तीसरा फ्रेगमेंट चेक करते हैं, तीसरे फ्रेगमेंट का साइज क्या होगा मेरा, वही है ना, फ्रेगमेंट ऑफसेट, समझ में आया, मतलब कि उसको साइज, उसके साइज को भी वो क्या यूज कर रहा है फॉर सीक्वेंसिंग पर्पस, चला पता। फ्रेगमेंट, पहला फ्रेगमेंट जो आएगा 0 है, उसके अगला वाला का नंबर क्या होगा 1480 नंबर है, उसके अगले वाले पे सीक्वेंस नंबर क्या होगा 1480 प्लस 1480, अगर वो नहीं है इसका मतलब एक फ्रेगमेंट क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। उस कंडीशन, वो कंडीशन मुझे पता नहीं, लानी कैसे तो मुझे पता नहीं होगा क्या, ठीक है ना, पहले वो कंडीशन लेकर आओ फिर उसमें पता होना चाहिए क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्क में ऐसी कंडीशन बहुत कम आती है। अब धरती की तरफ एक पत्थर आ रहा है, किसी को पता है, कोई आ रहा है, आ रहा है ना, एक नासा वाले बता रहे थे शायद, टीवी टूवी तुम देखते नहीं लगते है ना, आते तो रहते ही है, क्यों होगी पैडिंग, पैडिंग मैंने कल बताई थी, कल आप छुट्टी पे थे तो आज मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, इसमें पैडिंग होगी। पैडिंग किस केस में होती है बताओ, अरे 20 से कम साइज नहीं होगा उसका, जो भी साइज होगा वो 32 बिट का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ 20 से कम साइज होना चाहिए। तो देखो आईपी हेडर की सारी फील्ड हमने एक्सप्लेन कर दी है, मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दी है, हमने तो नहीं कुछ भी किया। पहला क्या है, वर्जन, हेडर लेंथ, टाइप ऑफ सर्विस, टोटल लेंथ हो गया, आइडेंटिफायर, फ्लैग्स, ऑफसेट, क्लियर है ये, टाइम टू लिव क्लियर है, प्रोटोकॉल फील्ड, हेडर चेकसम, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और पैडिंग। एक चीज बताइए क्या तुम्हारे ऑप्शंस, ऑप्शंस में नहीं पढ़ाता, ऑप्शन के लिए सीसीआई में आना पड़ेगा ना, सीसीआरएनएस में पढ़ाते हैं ऑप्शंस, सीसीएनपी में नहीं पढ़ाता मैं ऑप्शंस। जितना अभी तक डिस्कस किया इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अब कोई आईपी हेडर में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आंसर कर सकते हो, कितनी बार बताऊं भाई, अरे टाइम टू लिव मैंने नहीं बताया था कल, वो उसके लिए भाई और बहुत कहानियां होती है, आईएसपी लेवल पे मैं नहीं जाता, टीटीएल की वैल्यू जो आईपी हेडर के परस्पेक्टिव से जो तुम्हें बतानी चाहिए तुम उतने से सेटिस्फाइड हो जाओ, ठीक है। उससे ज्यादा आने के लिए तुम्हें पहले बीजीपी एमपीएस वो सारी इंटरनेट राउटिंग पता होनी चाहिए क्या होता है, ठीक है। 255 राउटर कहाँ पे आते हैं, आएंगे इतने सारे कैसे आ जाएंगे, राउटर की दुकान थोड़ी खोल रखी है हमने। अच्छा मतलब कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ से यूएसए तक मैंने बीच में
255 राउटर लगा रखे हैं, 7-8 राउटर आते हैं ज़रा ज़्यादा, बाद में तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर लिंक से सीधा पहुँचता है डेटा। क्या अब देखो, तुम्हारी होती है MPLS फॉरवर्डिंग होती है, MPLS फॉरवर्डिंग के अंदर जो डिवाइस होता है वो लेयर 2 बेसिस के इंफॉर्मेशन के बेसिस पर तुम्हारा पैकेट फॉरवर्ड करता है, वो TDL कम ही नहीं करता। BPN लेवल होते हैं, MPLS लेवल्स होते हैं, लेवल पे फॉरवर्डिंग करते हैं वो। ठीक ठूक कुछ नहीं है, तुम ही नहीं ठीक बस। क्या नहीं, इसको समझाएंगे अकेले में। वीडियो तुम्हारी सेव कर दें। देखो एक चीज तो मैं करके दिखा दूंगा अभी, बाकी फिर जब नेक्स्ट कल डिस्कस कर लेंगे। मैंने सोचा कि अब कल के बाद ही काम खत्म है, मैंने आज फ्राइडे समझ रहा था। अब देखो ध्यान से, ऑप्शन फील्ड का क्या मतलब है। ऑप्शन फील्ड के अंदर, ऑप्शन फील्ड सिंपली यूज होती है नेटवर्क टेस्टिंग के लिए। तुम आईपी पैकेट से नेटवर्क टेस्टिंग कर सकते हो। पहली फीचर क्या होती है तुम्हारी, रिकॉर्ड राउट। क्या होती है? रिकॉर्ड राउट। तुम रूट क्या कर सकते हो? पूरा रिकॉर्ड। सोर्स टू डेस्टिनेशन जब तुम्हारा डेटा ट्रेवल करता है तुम उसका रूट क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड। एक तुम्हारा रिकॉर्ड राउट होता है, उसके बाद होता है तुम्हारी एक लूज राउटिंग। एक तुम्हारी होती है लूज राउटिंग और एक तुम्हारी होती है क्या? स्ट्रिक्ट राउटिंग। स्ट्रिक्ट राउटिंग। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ रिकॉर्ड राउट। रिकॉर्ड राउट फीचर क्या होती है देखो, जब ये राउटर है, सपोज करो 3 राउटर है, यहाँ पे आई पी है 10.1, यहाँ पे आई पी है 10.2, 20.1 और 20.2, और यहाँ पे एक लूप बैक है 1.1.1.1 का। अब देखो मैंने यहाँ से ट्रैफिक सेंड किया 1.1.1 पे, और रिकॉर्ड राउट फीचर से क्या होगा कि जब वो ट्रैफिक रिटर्न वापस आएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा डेटा कौन कौन से आई पी से पास करके गया है। मतलब कि देखो, जब मेरे वाला पी सी ये वाला राउटर अपने डेटा को बाहर निकालेगा, उसके अंदर क्या ऐड कर देगा? 10.1। क्या ऐड करेगा? 10.1। चला पता? अब जब वो सामने जाएगा, सामने वाला क्या ऐड कर देगा उसके अंदर? 20.1। अब जब इसके पास गया, समझ लो, देखो रिकॉर्ड राउट फीचर तुम्हें सिंपली बताएगी कि तुम्हारा डेटा पाथ क्या था। मतलब कि तुम्हारा जेट पैकेट जिन इंटरफेसेस से निकल के गया उनके ऊपर क्या आईपी असाइन थे। मतलब कि जाते टाइम का भी और आते टाइम का भी रूट क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड हो जाएगा। पहले एक चीज समझो, इसको तो मैं कंसोल पे करके दिखाता हूं। देखो भाई, क्या चाहता है? टाइम हो गया बोल रहा है। ठीक है, अब सिंपली देखो तुम्हें फीचर दिखाता हूँ। R1 से मैं पूरा पाथ रिकॉर्ड करूँगा मेरा डेटा जब भी। अब देखो R1 से मैं 20.1 से पिंग किसको करूँगा? 20.2 को। और जितने भी आईपी से मेरा डेटा पास होके आएगा सारे का सारा रूट क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड। और वो रूट किसके अंदर रिकॉर्ड होगा? तुम्हारी ऑप्शंस फील्ड के अंदर। अब देखो पिंग रिकॉर्ड राउट
रूट रिकॉर्ड हुआ दिख रहा है, हर पैकेट के लिए रिकॉर्ड हुआ, मतलब पाथ बता रहा है कि डेटा तुम्हारा निकला कहाँ से 10.1 से, फिर कहाँ से एग्जिट हुआ 20.1 पे, फिर कहाँ पे पहुंचा 20.2 पे, फिर उसकी दोबारा जर्नी कहाँ से शुरू हुई 20.2 से, फिर कहाँ से पास हुआ 10.2 से, फिर वो कहाँ पे आया 10.1 पे, चला पता। अब देखो गया कहाँ से 10.1 से, फिर कहाँ से निकला 20.1 पे, कहाँ पे पहुंचा 20.2 पे, रिटर्न जर्नी फिर कहाँ से शुरू हुई 20.2 से, फिर कहाँ से एग्जिट हुआ 10.2 से, फिर कहाँ पे आया 10.1 पे, चला पता। ये सारा का सारा पाथ रिकॉर्ड कर लिया मैंने, ये पाथ किस में रिकॉर्ड हुआ तुम्हारे ऑप्शन फील्ड में, मैंने ऑप्शन फील्ड को इन्वोक किया और ये सारा का सारा पाथ रिकॉर्ड हो गया उसके अंदर। अब देखो इससे पहले तुम्हारे जितने भी पैकेट गए हैं, इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन फील्ड, अब देखो ऑप्शंस के अंदर रूट रिकॉर्डेड है, दिख रहा है ऑप्शन फील्ड है ना, ऑप्शन फील्ड होते तुम्हारी हेडर लेंथ क्या हो जाती है 60 बाइट, हेडर साइज कितना हो जाता है 60 बाइट्स का, ऑप्शन फील्ड के साथ तुम्हारा हेडर साइज कितना हो गया 60 बाइट्स का। अब 60 को मल्टीप्लाई करो किससे 8 से, 8 6 कितना होता है 48, अब 480 क्या 32 का मल्टीपल है, कितना आ गया 160, और 5 हो गया ना 15 के साथ है, तो मतलब 60 बाइट तुम्हारा क्या है 32 बिट बाइनरी वर्ड में रिप्रेजेंटेड, रिकॉर्ड राउट का मतलब समझ में आया। इसी तरह से तुम क्या कर सकते हो, लूज राउटिंग भी कर सकते हो ऑप्शन को यूज करके, एक होती है स्ट्रिक्ट राउटिंग वो भी यूज हो जाती है, बट फिलहाल के लिए इतना बहुत है, बाकी बाद में देखेंगे। इतना क्लियर है, तो ये क्लास तुम्हारी खत्म है आज यहाँ पर।